हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन और गुड मॉर्निंग। सो व्यूअर्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको रामदेव पीर का मंदिर, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी का एक विलेज है छोटा सा। यहाँ पर तकरीबन 50 घर की बस्ती है और यहाँ पर रहते हैं हिंदू कम्युनिटी, भील कम्युनिटी। और यहाँ पर रामदेव पीर का मंदिर है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये देखें, इसका गेट है, इस तरह का बना हुआ है गेट। ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये देखें गाइस, ये बना हुआ है रामदेव पीर का मंदिर, आप देख सकते हैं। और इस वक्त सुबह का टाइम है 6, और ये देखें आप, सूरज निकल रहा है अभी। यहाँ पर इसका जो ग्राउंड बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड है। अभी तक इन्होंने सफाई नहीं की। जब ये मेला भद्रे का जो 11 है, उसी दिन इसका जो मेला लगता है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेले को जो मैनेज करते हैं यहाँ के लोग, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ऊपर ये है जो मेरे ख्याल से मटके रखे हुए हैं, ये देखिए आप। और मज़े वाली बात, ये मेरे पापा जी ने बनाया है। मेरे पापा जो है, ये मेसन है, मिस्त्री है, और बनाया भी उन्होंने। ये जो हमारे रिश्तेदार हैं इस गांव वाले, सो इस वजह से ये मेरे पापा का बनाया हुआ मंदिर आप देख सकते हैं। चलते हैं गाइस मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखें, हाथ से बनाई हुई है, ये देखें आप, ये भरत है ना, ये देखें हाथ से बनाया हुआ है, लिखा हुआ रामा पीर। और ऐसे बहुत हैं, चलते हैं गाइस। वाओ, ये आप देखें मूर्ति, रामदेव पीर की मूर्ति, ये जो घोड़े वाला रामदेव पीर। और इस तरफ जो अदर जो सनातन धर्म के जो देवता हैं, और ये संत नाम, और ये भी रामदेव पीर का जो पिक्चर है, ये दिया है। और ये यूनिक की बैटरी रखी हुई है, और ये क्या है, वो क्या इसके गिटार या तंबोरा क्या कहते हैं। और ये देखें मोर की पंखे, हाँ ये मोर की पंखे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की बनती है। आप ये बनती नहीं है लेकिन मोर की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बटन, टूट चुका है क्या? हाँ, और माला बनाई हुई है इनको, देखें और ये बोर्ड है। यहाँ पर जो बच्चों को सनातन धर्म की तैलीम दी जाती है, यहाँ पर ये बोर्ड है। एक टीचर है इस स्कूल का, और वो जो बच्चों को बिल्कुल सनातन धर्म के क्लास लेता है, जो भी सनातन धर्म है वो सिखाता है यहाँ पर बच्चों को। ये आप देखें, छोटा सा गांव है। अब इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, आप देखें कितने परंदे ऊपर आए हैं।
गाइस। और मज़े वाली बात यह है कि जब भद्र का जो 11 का दिन होता है या जो उसी दिन यहाँ पर जो मेला लगता है, तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको दिखाते हैं कि गाइस यहाँ पर जो लोग हैं जब इधर होता है मेला का जो इंचार्ज वगैरह, उनने ये बहुत ही अच्छी तरीके से खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं, ये जो ना लकड़ियों से बनाए गए, ये है क्या कहते हैं इसको, शिफ्ट। तो यहाँ पर जो खाने पीने के हिसाब से यहाँ पर जो बीच में टेबलें रखी जाती हैं, और ये इसी वजह से ये लकड़ी दी हुई है कि ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए। जितने आदमी हमने छोड़े अंदर, वो खा के बाहर निकलें और उसके बाद दूसरे आए। तो इस वजह से ये लकड़ियों से बनाई गई है, एक जिससे जैसे डंगरों का वाड़ा बनाया जाता है इसे ऐसी। और यहाँ पर स्टेज है, जो भगत वगैरह है वो इधर भजन भावी करते हैं। ये स्टेज है, लेकिन ये दोबारा नया बनेगा, पहले गुजरे साल बनाया तो अब फिर दोबारा नया बनाएंगे। अब इसका दिन आने वाला है, जो मेले का दिन है वो आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है, देखें आप।